Welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about sex determination in human beings. Sex determination in different types of living beings. इसमें human का भी study करेंगे और साथ साथ कुछ और जीवों के भी विषय में study करेंगे कि उनमें sex का determination कैसे होता है, यानी male और female को का डिटर्मिनेशन करने के लिए किस प्रकार से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और किस टाइप से उनका डिटर्मिनेशन होता है कि मेल कौन बनेगा, फीमेल कैसे बनेगी। तो इस टाइप का जो डिटर्मिनेशन होता है उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्री ऑर्गेनिज्म लिए गए हैं या जीव लिए गए हैं। एक ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई। दूसरा लिया गया बर्ड, चिड़ियों के विषय में है। और तीसरा है ह्यूमंस, यानी हम लोगों के विषय में कि किस प्रकार से डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, इसमें मेल हेटरोगैमेटी पाई जाती है। मेल हेटरोगैमेटी का मतलब क्या हुआ कि मेल में दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे, एक्स वाई, यानी एक्स वाले आधे बनेंगे और आधे वाले वाई वाले बनेंगे स्पर्म। और यहाँ ये जो फीमेल पाई जा रही है, फीमेल में दोनों जो एग बनेंगे वो दोनों एक ही प्रकार के बनेंगे, एक्स और एक्स वाले, यानी मेल हेटरोगैमेटी। मेल में स्पर्म जो बनेंगे वो अलग अलग टाइप के बनेंगे। इसी तरह से ह्यूमंस में भी मेल हेटरोगैमेटी होती है। मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, यानी आधे स्पर्म एक्स वाले बनते हैं, आधे वाई वाले। और फीमेल में जितने भी एक्स बनते हैं, ओवम बनते हैं, वो सब एक्स वाले बनते हैं। यहाँ बर्ड के केस में थोड़ा उल्टा है। बर्ड के केस में फीमेल हेटरोगैमेटी पाई जाती है। फीमेल हेटरोगैमेटी का मतलब ये हुआ कि फीमेल में दो प्रकार के एक्स बनते हैं, आधे जेड वाले बनते हैं, आधे डब्ल्यू वाले बनते हैं, जबकि मेल में स्पर्म जितने बनते हैं वो जेड जेड वाले बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। तो यहाँ पर बर्ड्स के केस में फीमेल हेटरोगैमेटी और ड्रोसोफिला और ह्यूमंस के केस में मेल हेटरोगैमेटी कंडीशन पाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग ह्यूमंस के विषय में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है, हम लोगों में प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम्स में 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, ऑटोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है। और ये जो लास्ट वाला पेयर पाया जाता है ये मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में 44 और लास्ट वाला जो पेयर पाया जाता है एक्स एक्स होता है, यानी 44 ऑटोसोम्स और एक्स जो लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम है ये भी और 44 ये सब एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर अंतर क्या होता है कि मेल में दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे, 22 प्लस एक्स वाले आधे बनेंगे, 22 प्लस वाई वाले आधे स्पर्म बनेंगे, यानी आधे स्पर्म एक्स वाले आधे वाई वाले, जबकि यहाँ पर फीमेल में जो ओवा बनते हैं या एक्स बनते हैं वो सब एक्स वाले ही बनते हैं, 22 प्लस एक्स। अगर एक्स वाला क्रोमोसोम वाला एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर एक्स क्रोमोसोम वाले एग से फ्यूज करता है तो ये बनेगा 22 ये है, 22 ये है, 44 प्लस एक्स ये है, एक्स ये है, यानी ये बनेगा, तो ये बनेगी गर्ल या डॉटर। डॉटर बनेगी 44 प्लस एक्स है। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले एक्स से फ्यूज करेगा तो 44 प्लस एक्स वाई बनेगा, यानी ये जो बनेगा ये सन बनेगा। तो इसमें देख लीजिए कि किस प्रकार से दिखाया गया है कि मेल में किस तरीके से दो प्रकार के स्पर्म दिखाए गए हैं और फीमेल में एक ही प्रकार के स्पर्म बनाएंगे, एक्स वाले ही बनेंगे। अब इनमें कैसे क्रॉस कराया गया, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले एक्स से फ्यूज कर रहा है तो डॉटर बन रही है, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले एक्स से फ्यूज कर रहा है तो सन का जन्म हो रहा है। इस प्रकार से डॉटर और सन किस प्रकार से डिटरमाइन होते हैं क्रोमोसोम के आधार पर, ये आपको बता दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू ये सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट टाइप्स के जीव में स्टडी कर लेंगे। ओके, थैंक्स।